बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं हूँ यहाँ पर इस चीज़ लाई में। मैं ना इसी तरह एक सेट यूट्यूब देख रही थी तो ना वैसे ही बड़ा शॉपिंग का दिल भी कर रहा था और एकदम ना मेरे सामने चीज़ वैल्यू की एड आई 100 रुपीज़ थे कि इसमें जो है ना सेल लगी हुई है। मैं जो हर चीज़ 250 रुपये 300 रुपये में मैं इतनी ज़्यादा खुश, इतनी मैंने कहा वाह भाई वाह, मज़ा ही आ जाएगा। वैसे जब से चेज़ वैल्यू बना था ना मैं गई भी नहीं थी, तो मुझे मौका भी मिल गया था कि मैं जाऊँ देखूँ चेज़ वैल्यू। अच्छा मैं यहाँ पर आई और ये सारे ना मुझे ईयरिंग्स सारे में नज़र आ रहे थे। बना हुआ अच्छा था, चीज़ें थी, मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि वहाँ पे ना जगह जगह पे लोग खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे आप मोबाइल मतलब ना निकालें, आप वीडियो ना बनाएं, परमिशन नहीं है। अच्छा यहाँ तक जहाँ पर मैं ईयरिंग्स वगैरह की बना रही थी यहाँ तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि भाई हम वीडियो नहीं बना सकते। अब बहुत प्यारे प्यारे थे, और वैसे ईयरिंग्स जो थे ना काफ़ी रिजनेबल थे आम बाज़ार की नस्बत, और बैंगल्स भी थी बहुत अच्छी थी और वो भी उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और वो भी काफ़ी रिजनेबल थी। लेकिन भाई इसके अलावा एक चीज़ भी रिजनेबल नहीं थी, एक चीज़ भी। यहाँ पे जो है ना ये पजामाज रखे हुए थे, और अगर मैं ये वाले पजामाज यहाँ ना देखती ना तो मैं कभी भी यकीन ना करती ये नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, ऑलमोस्ट सब कुछ ही था, लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी वो ये थी कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतनी देर अंदर फिरते रहे और भाई भूख लग रही थी, और मैं फिर ऊपर वाले फ्लोर में गई, वहाँ मैंने चेक किया, मैंने पूछा भाई यहाँ पर कुछ खाने को बहुत ही नहीं बोला मैंने अभी यहाँ पर मैंने अभी तक यहाँ पर हैंड टॉवल वगैरह और कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। कपड़े भी थे मतलब मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, और उसके अलावा मतलब प्राइजेज इतने ज़्यादा थे ना, मैं कपड़ों को देखती थी एक बार प्राइस को देखती थी। अच्छा और जो चीज़ें सस्ती थी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। शूज़ थे, बैग्स अच्छे थे, मतलब काफ़ी सारी उसमें क्वालिटीज़ थी, शूज़ थे उसमें भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी, बट जो वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और ये फिर आ गए थे हम कॉस्मेटिक्स वाले साइड पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसके अलावा बेड शीट्स हर चीज़ थी, लेकिन भाई उनके प्राइजेस आसमान को थे। और वो जो 250-300 वाली जो उन्होंने ऐड दी थी ना वो तो फजूल थी, कम से कम वो ऐड देख के मेरी तरह वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा। मेकअप के बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पर रखे हुए थे, वैसे बहुत बड़ा उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मुझे अच्छा लगा, पर थोड़ा एक्सपेंसिव था और उसके अलावा खाने के लिए कुछ नहीं था। तो चलें फिर मैं बताती हूँ एक झटपट सा स्क्रब, उसके लिए हम लेंगे कॉफ़ी। जैसे अब डेड स्किन आ जाती है सर्दियों का मौसम है, स्किन ड्राई होती है ना उस वजह से, तो और यहाँ पर है मेरे पास आलमंड ऑयल। अब मैं इन दोनों चीज़ों को बस कर दूँगी मिक्स, और यहाँ पर मुझे जो है ना ऑयल कम लग रहा था तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया था, और बिल्कुल रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से, बहुत प्यार प्यार से, आपकी अपनी ही स्किन है, इसको अपने हैंड्स पे, फीट पे, अपने फेस पे, आप नेक पे इसको जो है ना बहुत अच्छे से स्क्रब कर लें। आपका जो मतलब डेड स्किन है वो उतर जाएगी, और उसके बाद जो है ना बहुत सॉफ्ट शाइनी सी जो है ना स्किन निकल आएगी। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।